नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार उनको आमंत्रित करेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुद्ध, चाणक्य, महावीर, अशोक सम्राट की धरती पे आया तमाम क्रांतिकारी साथियों का मेरा क्रांतिकारी जय भीम और जय भीम। मैं एक कल का वाक्य आपको बताना चाहता हूं। मैं चूंकि पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं और कुछ मोदी भक्त भी वहां पढ़ते हैं, एक वाक्य है कि मैं जब कल मुझसे कल किसी ने कहा कि आप भी क्या उस रैली में जा रहे हैं संविधान बचाओ कन्हैया जी का, हमने कहा जा रहे हैं। उसने कहा कि क्यों जा रहे हैं, हमने कहा कि CA NRC का विरोध करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि आप CA NRC क्या है जानते हैं, हमने कहा कि हम नहीं जानते भाई, तुम बताओ। उसने कहा कि CA NRC से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उसको हिंदुस्तान लाया जाएगा। हमने कहा ठीक है, ला के रोजगार कौन देगा, कहा मोदी जी, खाना कौन देगा, मोदी जी। हमने उससे कहा कि जो हमारे देश में रहते हैं, जो हमारे यहाँ रोजगार है, नौकरी करते हैं, उनके पास कागज नहीं है, उसको दूसरे देश भेजोगे, और जो दूसरे देश से आए हैं उनके पास कागज नहीं है, उनको कागज बनवा के अपने देश में रखोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कागज नहीं है, उनको दूसरे देश में भेजना, और दूसरे देश के लोगों को जिसको हम लोग यहाँ ला रहे हैं, जिसको मोदी जी कहते हैं कि इसको शोषित किया जा रहा है, वो पीड़ित है वहां पे, उसको बिना कागजात के अपने यहाँ बसाना क्या ठीक है? देखिए, हम लोग को समझना पड़ेगा, एक समय में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो एक इस्लामिक राष्ट्र जिन्ना ने बनाया, और आज फिर देश का बंटवारा करने की ये साजिश रची जा रही है। और इस बार जो देश का बंटवारा होगा उसमें यहां गरीब लोग नहीं, पिछड़े लोग नहीं, अति पिछड़े लोग नहीं, अल्पसंख्यक लोग नहीं, यहां अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जैसे नीरव मोदी लोग का ये राष्ट्र होगा, और उसे पूंजीवादी हिंदुस्तान कहा जाएगा। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान नहीं, पूंजीवादी हिंदुस्तान बनाने का इनका एक मकसद है, जिनमें हम और आप नहीं, ये नरेंद्र मोदी के भक्त रहेंगे। ये RSS वालों की यही मंशा है, भाजपा वालों की यही मंशा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पटना विश्वविद्यालय के बहुत से भाई और बहन आगे बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, 7वां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, लेकिन जानते हैं वहां की हालत क्या है? वहां की हालत है कि वहां महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। ये विकास की बात करते हैं, ये देशों विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये काम किया। जिस देश में हर रोज 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उस देश में आप 10 करोड़ और लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, उस देश में आप और 10 करोड़ लोगों के लाने की बात कर रहे हैं, उसको कहां से आप रोजगार दीजिएगा, उसको कहां से खाना खिलाइएगा? आपके अपनी देश की स्थिति खराब है। हर रोज यहां पे कई हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, और ये जो नीतीश कुमार है, पिछले दिनों इन्होंने जो विधानसभा में कहा कि NRC लागू नहीं होगा, यहां डबल इंजन की सरकार है इस बिहार में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही के विप साथ बैठकर, विधानसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि NRC और CA लागू होगा, और आप कहते हैं कि NRC लागू नहीं होगा। अगर आप बिहार के मुसलमानों के साथ हैं, दलित के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं, तो आप अपना ये गठबंधन तोड़िए और फिर कहिए कि हम यहाँ के लोगों के साथ हैं, बिहार के लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये काला कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। आज जहां बात, एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग बात करते हैं, ये जो NRC CA है ये मोदी जी के डर की पैदाइश है। ये नहीं चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था, इसी तरह भीड़ लगाकर पटना के गांधी मैदान में हमसे लोग रोजगार मांगे। जो 15 लाख का वादा किया था, वो नहीं चाहते किसी तरह से रोजगार पे हम पे लोग सवाल करें, 15 लाख रुपए मांगे।
मेरे साथियों, ये सरासर बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा के बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े प्रवक्ता कहते हैं कि जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं उनको गोलियों से भून देना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ जो रोड पे आरएसएस के भक्त खड़े हैं, उनको गोलियों से भून देना चाहिए, जो देश में काले कानून का समर्थन कर रहे हैं। मुझे ये कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है कि एक तरफ जब देश की आजादी हुई तो एक जिन्ना ने इस्लाम का राष्ट्र बनाया जिसमें गरीब वंचित पिछड़े सब थे, और ये नरेंद्र मोदी राष्ट्र बनाने जा रहा है जहां गरीब दलित पिछड़े नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूंजी बांध रहेंगे। ये जिन्ना से लाख बुरा ये नरेंद्र मोदी है, ये जिन्ना से लाख बुरा ये नरेंद्र मोदी है। मेरे दोस्तों, आपकी एकता इसका परिचय है। और ये पटना के गांधी मैदान को देखकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आज की नींद हराम होने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूं इसी तरह से पूरे देश में एक जनसैलाब लाना है, और आरएसएस और भाजपा वाले को उसी असम की खाड़ी में जहां 16 हजार करोड़ लगाकर उन्होंने नारसी करवाया, उसी असम की खाड़ी में फेंक देना है इनको, और जवाब देना है कि बिहार और देश से जो एक चिंगारी उठी है वो खत्म करेगी इस भाजपा और आरएसएस को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों।